दोस्तों वेलकम टू AMC क्लासेस। आज है 2 जुलाई। तो 2 जुलाई से जुड़े हुए जितने भी महत्वपूर्ण करंट अफेयर हैं वो आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। पर वीडियो स्टार्ट करने से पहले मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है कि आप वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें, क्योंकि इस वीडियो में हर करंट अफेयर डिटेल्स के साथ बताए गए हैं। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य ने COVID-19 महामारी के कारण लगे देशव्यापी लॉकडाउन के दौरान हमारा घर हमारा विद्यालय अभियान शुरू किया है? तो किस राज्य सरकार द्वारा हमारा घर हमारा विद्यालय अभियान शुरू किया गया है? तो वह राज्य है मध्य प्रदेश। तो मध्य प्रदेश द्वारा हमारा घर हमारा विद्यालय अभियान शुरू किया गया है, मतलब ऑप्शन सी इज करेक्ट। अब इससे जुड़ी हुई जो डिटेल्स हैं वो हम जान लेते हैं क्या हैं। मध्य प्रदेश सरकार ने COVID-19 महामारी के कारण लगे देशव्यापी लॉकडाउन के दौरान छात्रों की शैक्षणिक नियमितता को ध्यान में रखते हुए वर्चुअल प्लेटफॉर्म पर हमारा घर हमारा विद्यालय अभियान शुरू किया है। यह योजना 6 जुलाई 2020 से शुरू की जाएगी। अब हमारा घर हमारा विद्यालय अभियान के बारे में जानते हैं कि इसमें क्या बताया गया है। तो इस योजना के अंतर्गत अब छात्रों के घर के अंदर स्कूल की घंटी सुनाई देगी और शिक्षक घंटी के बाद छात्रों की कक्षा शुरू करेंगे। इस योजना में ऑनलाइन कक्षाओं के माध्यम से अपने घर पर पढ़ाए जाने वाले बच्चों के लिए स्कूल जैसा माहौल प्रदान करेगी। इस अभियान में कक्षा 1 से 8 के शिक्षकों के लिए विषय की तैयारी प्रदान की जाएगी। अब और भी कुछ डिटेल्स हैं हमारा घर हमारे विद्यालय से जुड़ी हुई और मध्य प्रदेश से जुड़ी हुई, तो वो हम जान लेते हैं क्या हैं। तो छात्रों के पास सोमवार से शुक्रवार और शनिवार तक समय सारणी के अनुसार विषय की कक्षाएं होंगी। इसके अलावा छात्र योग, लेखन और कहानियों को सुनने आदि गतिविधियों में संलग्न रहेंगे। इस योजना के तहत शिक्षक छात्रों और अभिभावकों से फीडबैक लेने के लिए भी चर्चा करेंगे। अब राज्यपाल कौन है मध्य प्रदेश के? तो वो हैं लालजी टंडन, राजधानी है भोपाल और मुख्यमंत्री हैं शिवराज सिंह चौहान। नेक्स्ट, किस राज्य ने कौशल कनेक्ट फोरम नामक नया पोर्टल लॉन्च किया है? तो किस राज्य द्वारा कौशल कनेक्ट फोरम लॉन्च किया गया है? तो यह लॉन्च किया गया है कर्नाटक। कर्नाटक राज्य द्वारा कौशल कनेक्ट फोरम लॉन्च किया गया है, मतलब ऑप्शन डी इज करेक्ट। अब इससे जुड़ी हुई जो डिटेल्स हैं वो हम जान लेते हैं क्या हैं। कर्नाटक सरकार ने कौशल कनेक्ट फोरम नामक एक नया पोर्टल लॉन्च किया है। यह पोर्टल नौकरी की तलाश करने वालों को एक मंच पर नियोक्ताओं के साथ जोड़ने का प्रयास है। यह रोजगार की तलाश करने वालों को उपलब्ध नौकरियों की जानकारी भी प्रदान करेगा। इसके अलावा यह पोर्टल नौकरी चाहने वालों और नियोक्ताओं के बीच के अंतर को कम करने का भी काम करेगा। अब कर्नाटक से जुड़ी हुई कुछ डिटेल्स हैं तो वो हम जानते हैं क्या हैं। कर्नाटक के मुख्यमंत्री हैं VS येदियुरप्पा, राज्यपाल हैं वजूभाई वाला और राजधानी है बेंगलुरु। नेक्स्ट, हाल ही में द योगिनी पोएम्स लव एंड लाइफ नामक पुस्तक किसने लिखी है? तो द योगिनी पोएम्स लव एंड लाइफ नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? तो यह लिखी गई है डॉक्टर अदीसा दास द्वारा द योगिनी पोएम्स लव एंड लाइफ लिखी गई है, मतलब ऑप्शन बी इज करेक्ट। अब इससे जुड़ी हुई जो डिटेल्स हैं वो हम जान लेते हैं क्या हैं। उड़ीसा की जानी मानी कावित्री डॉक्टर अदीसा दास ने हीरापुर के 64 योगिनियों पर आधारित अपनी कविताओं की चौथी पुस्तक द योगिनी पोएम्स लव एंड लाइफ का विमोचन किया है। 64 योगिनियों पर उनकी पहली गैर काल्पनिक किताब हीरापुर की 64 योगिनियां तंत्र से तंत्रवाद अमेजन वेस्ट सेलर का टैग कमाने के लिए चली गई है और लगातार 4 महीनों तक शीर्ष 10 में बनी रही। नेक्स्ट, भारतीय रिजर्व बैंक के किस पूर्व गवर्नर को आधिकारिक सांख्यिकी में लाइफ टाइम अचीवमेंट के पहले प्रोफेसर PC महालनोबिस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो वो कौन से पूर्व गवर्नर हैं जिन्हें प्रोफेसर PC महालनोबिस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो उन पूर्व गवर्नर का नाम है डॉक्टर चक्रवर्ती रंगराजन। डॉक्टर चक्रवर्ती रंगराजन को
प्रोफेसर पीसी महालनोबिस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। मतलब ऑप्शन डी इज करेक्ट। अब इससे जुड़ी हुई जो डिटेल्स हैं वो हम जान लेते हैं क्या हैं। डॉक्टर चक्रवर्ती रंगराजन को राष्ट्रीय आय के आकलन से संबंधित मुद्दों का समाधान प्रदान करने के लिए दिए उनके उत्कृष्ट योगदान के लिए लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड दिया गया है। इस पुरस्कार की शुरुआत सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय द्वारा इसी वर्ष यानी 2020 से इसकी शुरुआत की गई है। 2020 से ही इसकी शुरुआत की गई है। अब इसे आधिकारिक सांख्यिकी के विकास और संवर्धन के लिए किसी भी व्यक्ति द्वारा किए उत्कृष्ट और सराहनीय योगदान के लिए प्रतिवर्ष प्रदान किया जाएगा। इसकी शुरुआत 2020 से हुई है और अब ये हर साल प्रदान किया जाएगा। अब और क्या डिटेल्स हैं इससे जुड़ी हुई तो वो हम जान लेते हैं। तो सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के मंत्री हैं राव इंद्रजीत सिंह और राष्ट्रीय सांख्यिकी आयोग के अध्यक्ष हैं विमल कुमार राय और भारतीय सांख्यिकी संस्थान के निदेशक हैं संघमित्रा बंदोपाध्याय। नेक्स्ट, हाल ही में किस राज्य के वन विभाग ने भारत का पहला लाइकेन पार्क विकसित किया है। तो वो कौन सा राज्य है जहाँ पर लाइकेन पार्क विकसित किया गया है? तो वह राज्य है उत्तराखंड। उत्तराखंड में लाइकेन पार्क विकसित किया गया है। मतलब ऑप्शन सी इज करेक्ट। अब इससे जुड़ी हुई जो डिटेल्स हैं वो हम जान लेते हैं क्या हैं। उत्तराखंड के वन विभाग ने पिथौरागढ़ जिले में कुमाऊं के मनुस्यारी में भारत का पहला कवक पार्क यानी लाइकेन पार्क विकसित किया है। लाइकेन हिमालय में 5000 मीटर तक की ऊंचाई पर उगने वाली एक महत्वपूर्ण प्रजातियों में से एक है क्योंकि ये प्रदूषण के स्तर के सबसे अच्छे जैव इंडाइटर माने जाते हैं। क्या माने जाते हैं? ये प्रदूषण के स्तर के सबसे अच्छे जैव इंडाइटर माने जाते हैं। इन जुरासिक युग की लाइकेन प्रजातियों का इस्तेमाल भोजन, इत्र, रंजक और पारंपरिक दवाओं में किया जाता है। उत्तराखंड में लाइकेन की लगभग 600 से अधिक प्रजातियां पाई जाती हैं। अब और क्या डिटेल्स हैं इससे जुड़ी हुई तो वो हम जान लेते हैं। क्या है लाइकेन? तो ये समझते हैं, कवक लाइकेन एक प्रकार की वनस्पति है जो यह पेड़ों के तनों, दीवारों, चट्टानों और मिट्टी पर पनपता है। ये कई रंगों, आकारों और रूपों में पाए जाते हैं। ये कभी कभी पौधे की तरह दिखाई पड़ते हैं लेकिन लाइकेन पौधे नहीं होते हैं। ये पृथ्वी पर मौजूद सबसे पुरानी जीवित जीवों में से एक है। यह कई स्थानों पर पनपते हैं जिनमें से कुछ बेहद चरम स्थान आर्कटिक टुंड्रा, गर्म शुष्क रेगिस्तानी चट्टानी तटों, विषाक्त ढेर, छतें, नंगी चट्टानें, दीवारें, उजागर मिट्टी की सतह जहां यह आसानी से पाए जाते हैं। नेक्स्ट, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना को किस माह तक बढ़ाने की घोषणा की है? तो किस माह तक बढ़ाया गया है इसको? तो बढ़ाया गया है नवंबर तक प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना को बढ़ा दिया गया है। मतलब ऑप्शन बी इज करेक्ट। अब इससे जुड़ी हुई जो डिटेल्स हैं वो हम जान लेते हैं क्या हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश भर में 80 करोड़ ज़रूरतमंद लोगों को अगले 5 महीने तक मुफ्त राशन देने की घोषणा की है। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना का इस साल नवंबर के अंत तक विस्तार कर दिया गया है। कोविड 19 महामारी के प्रकोप के बाद घोषित इस योजना के अंतर्गत गरीब परिवारों के हर सदस्य को हर महीने 5 किलोग्राम गेहूं और चावल और 1 किलोग्राम साबुत चना मुफ्त उपलब्ध कराया जाता है। इस योजना को नवंबर तक बढ़ाने पर सरकार को 90,000 करोड़ रुपए से अधिक राशि खर्च करनी होगी। नेक्स्ट, हाल ही में भारत ने 600 मेगावाट जल विद्युत परियोजना के लिए किस देश के साथ समझौता किया है? तो किस देश के साथ भारत ने 600 मेगावाट जल विद्युत परियोजना के लिए समझौता किया है? तो वह देश है भूटान। भूटान के साथ भारत ने 600 मेगावाट जल विद्युत परियोजना के लिए समझौता किया है। मतलब ऑप्शन बी इज करेक्ट। अब इससे जुड़ी हुई जो डिटेल्स हैं वो हम जान लेते हैं क्या हैं।
भारत और भूटान द्वारा भूटान में 600 मेगावाट के खोलो गच्छू पनबिजली परियोजना के निर्माण के लिए समझौते पर हस्ताक्षर किए गए हैं। भारतीय विदेश मंत्री एस जयशंकर और भूटान के विदेश मंत्री टांडी दोरजी की उपस्थिति में भूटानी और भारत सरकार के बीच खोलो गच्छू हाइड्रो एनर्जी लिमिटेड परियोजना के लिए समझौते पर हस्ताक्षर किए गए हैं। अब भूटान की राजधानी क्या है? तो थिम्पू है। भूटान के प्रधानमंत्री हैं लोते तेसेरिंग। क्या है इनके प्रधानमंत्री का नाम? लोते तेसेरिंग। और भूटान की मुद्रा है निगुलट्रम। क्या है? निगुलट्रम मुद्रा। नेक्स्ट, 1 जुलाई को भारत के किस बैंक की स्थापना दिवस मनाया जाता है? तो किस बैंक का स्थापना दिवस 1 जुलाई को मनाया जाता है? तो यह मनाया जाता है भारतीय स्टेट बैंक का। भारतीय स्टेट बैंक का स्थापना दिवस 1 जुलाई को मनाया जाता है, मतलब ऑप्शन ए इज करेक्ट। अब इससे जुड़ी हुई कुछ डिटेल्स हैं वो हम जान लेते हैं, और हम ये भी जानेंगे कि 1 जुलाई को और कौन कौन से दिवस हैं जो मनाए जाते हैं। तो हम देखते हैं, 1 जुलाई को भारत के भारतीय रिजर्व बैंक का स्थापना दिवस मनाया जाता है। तो और यहाँ पे भारतीय स्टेट बैंक का है, भारतीय स्टेट बैंक का स्थापना दिवस मनाया जाता है। देश में 10,000 शाखाओं और 8,500 ATM के नेटवर्क वाला भारतीय स्टेट बैंक सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों में सबसे बड़ा बैंक है। अब देखते हैं 1 जुलाई को और कौन सा दिवस मनाया जाता है। तो नेशनल पोस्टल वर्कर डे, हर साल 1 जुलाई को राष्ट्रीय डाक कर्मचारी दिवस मनाया जाता है। यह दिन दुनिया भर के डाक कर्मियों द्वारा की जाने वाली सेवा के सम्मान में मनाया जाता है। भारतीय डाक के महानिदेशक अरुंधति घोष हैं। नेशनल चार्टर्ड अकाउंटेंट्स डे, मतलब सीए डे हर साल 1 जुलाई को मनाया जाता है। यह दिन 1949 में भारत की संसद द्वारा की गई इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया की स्थापना के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। तो याद रखिए 1 जुलाई को भारत के भारतीय स्टेट बैंक का स्थापना दिवस मनाया जाता है। यहाँ पर भारतीय रिजर्व बैंक नहीं था, यहाँ पर था भारतीय स्टेट बैंक। और भी कुछ हैं 1 जुलाई को जो दिवस मनाए जाते हैं वो हम जान लेते हैं क्या हैं। भारत में हर साल 1 जुलाई को नेशनल डॉक्टर्स डे यानी राष्ट्रीय चिकित्सक दिवस मनाया जाता है। यह दिन इंडियन मेडिकल एसोसिएशन डॉक्टरों और चिकित्सकों द्वारा किए गए अमूल्य कार्यों को सम्मानित करने और उनकी समर्पित सेवा के लिए उन्हें धन्यवाद देने के लिए हर साल मनाया जाता है। राष्ट्रीय चिकित्सक दिवस 2020 का विषय था लेसन द मोरलिटी ऑफ कोविड-19। क्या था इसका विषय? लेसन द मोरलिटी ऑफ कोविड-19। राष्ट्रीय चिकित्सक दिवस डॉक्टर विधान चंद्र रॉय की जन्म और पुण्यतिथि का प्रतीक है। वह भारत के सबसे प्रसिद्ध चिकित्सकों में से एक थे। वे पश्चिम बंगाल के दूसरे मुख्यमंत्री भी रहे थे। नेक्स्ट, 36वां आसियान शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया है? तो कहाँ आयोजित किया गया है 36वां आसियान शिखर सम्मेलन? तो यह आयोजित किया गया है वियतनाम में। वियतनाम में 36वां आसियान शिखर सम्मेलन आयोजित किया गया है, मतलब ऑप्शन सी इज करेक्ट। अब इससे जुड़ी हुई जो डिटेल्स हैं वो हम जान लेते हैं क्या हैं। साल में 2 बार आयोजित की जाने वाली आसियान समिट 2020 का 36वां संस्करण वियतनाम के हनोई में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए आयोजित किया गया। इस शिखर सम्मेलन का विषय कोहेसिव एंड रिस्पॉन्सिव आसियान था। 10 आसियान सदस्य देश कौन कौन से, तो वो हम जान लेते हैं। इंडोनेशिया, थाईलैंड, सिंगापुर, फिलीपींस, मलेशिया, वियतनाम, बुर्नेई, कंबोडिया, म्यांमार, बर्मा और लाओस। नेक्स्ट, भारत के औषधि महानियंत्रक ने देश में विकसित कोविड-19 के पहले किस नाम के टीके को मानव परीक्षण करने की अनुमति दे दी है? तो किस टीके को मानव परीक्षण करने की अनुमति दे दी गई है? तो उस टीके का नाम है कोवैक्सीन। कोवैक्सीन को मानव परीक्षण की अनुमति दे दी गई है, मतलब ऑप्शन ए इज करेक्ट। अब इससे जुड़ी हुई जो डिटेल्स हैं वो हम जान लेते हैं क्या हैं। ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया ने कोविड-19 वैक्सीन कोवैक्सीन के लिए चरण 1 और चरण 2 मानव नैदानिक परीक्षणों के लिए मंजूरी दे दी है।
इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च ICMR और नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी के सहयोग से कोवैक्सीन को हैदराबाद स्थित वैक्सीन एंड भारत बायोटेक द्वारा विकसित किया गया है। दोस्तों, इस वीडियो की PDF प्राप्त करने के लिए डिस्क्रिप्शन पर दी हुई लिंक पर क्लिक करें।